हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं तो आज की वीडियो के बाद ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी बातें और चाय मूड को रिफ्रेश करने का बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वैसे ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत चाय से करते हैं। दिन भर की थकान मिटानी हो या खुद को रिफ्रेश करना हो, एक कप चाय दोनों काम कर देती है। चाय के स्वाद को दुगना करने के लिए हम सब लेते हैं किसी न किसी स्नैक का सहारा, लेकिन ये स्नैक कई बार हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाय के साथ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो नंबर वन पे आती हैं हल्दी से बनने वाली चीज़ें। हल्दी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जिन चीज़ों में हल्दी ज़्यादा हो उन्हें कभी भी चाय के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के एक साथ मिलने पर पेट में केमिकल रिएक्शन होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर टू पे आती हैं खट्टी चीज़ें। चाय के साथ हमें अक्सर चटपटा और खट्टा खाना काफ़ी पसंद होता है, लेकिन चाय के साथ भूल कर भी खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और एसिडिटी का बनना हमारे ना केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करता है, हमारी बॉडी पर भी गलत असर डालता है। नंबर थ्री पे आती हैं ठंडी चीज़ें। चाय के साथ या चाय के तुरंत बाद ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना लें। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में चाय और जूस साथ लेते हैं। ये एक बहुत ही गलत आदत है जो ना केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती है, बल्कि उसमें प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करती है। तो भूल कर भी कभी भी ठंडी और गर्म चीज़ों को साथ ना लें। इसके बाद नंबर फोर पे आते हैं स्प्राउट्स या फिर अंकुरित अनाज। चाय के साथ सैलेड या स्प्राउट जैसी कच्ची चीज़ें कभी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चाय की तासीर गर्म होती है और सैलेड की ठंडी, और दोनों को साथ में लेने पर आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो स्प्राउट्स होते हैं वो होते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन हाई हीट पर डीनेचर हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि स्प्राउट्स को कभी भी चाय के साथ ना लें, क्योंकि अगर प्रोटीन डीनेचर हो गया तो आपको इसे खाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी और आप इन चीज़ों को चाय के साथ कभी भी नहीं लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।